हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति लघु त्रय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, देखिए जो कि पार्ट वन है। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मापन क्या है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन रॉस का है। अगर आप लोग देखिए इसे याद रखने का ट्रिक जानना चाहें तो देखिए सबसे अच्छी ट्रिक यह है कि देखिए दीवार की तरह ढह जाए, तो दीवार का रा ले लीजिए और देखिए रास, देखिए दीवार का आप लोग रा ले लीजिए और रा इसको उठा के इसमें देखिए रास। तो आप लोग ये अच्छे से याद रख सकते हैं कि यदि मापन के बारे में, यह साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन रास का है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन में यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखिए रेमर्स व गेज का है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मापन का प्रमुख तत्व क्या है? तो वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये मापन का प्रमुख तत्व होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं मापन के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः मापन के तीन प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है निरपेक्ष मापन, नंबर सेकेंड है सामान्यीकृत मापन और नंबर थर्ड है इप्सेटिव मापन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फॉर्मेटिव यानी संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना। यानी मूल्यांकन क्या है? तो यानी छात्र की प्रगति की जांच करना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? तो मापन एक सामान्य शब्द है जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? तो परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तो वो कहलाता है विश्वसनीयता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण क्या है? परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, यानी कि टेस्ट। सतत मूल्यांकन किसको कहते हैं, तो टेस्ट को। देखिए, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और देखिए, आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि सतत मूल्यांकन कहते किसको हैं, तो टेस्ट को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं, तो देखिए निरंतर मूल्यांकन योजना सतत मूल्यांकन को कहते हैं। और देखिए, सतत मूल्यांकन यानी निरंतर। उसके बाद देखते हैं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है। व्यापक मूल्यांकन मतलब होता है सर्वांगीण। क्या होता है, तो सर्वांगीण या बड़ा, ठीक है ना, सर्वांगीण या बड़ा व्यापक का मतलब होता है। तो देखिए, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। व्यापक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, तो देखिए व्यापक मूल्यांकन के तीन पक्ष हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए तीन जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड नंबर पर हो जाता है भावनात्मक पक्ष, और थर्ड नंबर पर हो जाता है कौशलात्मक पक्ष। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं सतत मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सतत मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियाँ हैं, तो फर्स्ट नंबर पर है सत्र परीक्षा, सेकंड नंबर पर है मासिक परीक्षा, और थर्ड है तो वो है सेमेस्टर पद्धति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो मूल्यांकन के निम्नलिखित पक्ष होते हैं कौन कौन से, तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो देखिए ब्लूम ने मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 6 वर्गों में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन क्या है, तो समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। यानी कि देखिए, समेटिव मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, तो समेटिव मूल्यांकन का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। क्या होता है, तो होता है जानकारी इकट्ठा करना। किसका मतलब होता है, तो समेटिव मूल्यांकन का, ठीक है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि समेटिव मूल्यांकन यानी समेटिव मूल्यांकन यानी कि जानकारी इकट्ठा करना क्या है, तो समेटिव मूल्यांकन, आकलित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं, तो शैक्षिक मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, तो 4 स्तर हैं। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है शाब्दिक स्तर, सेकंड नंबर पर हो जाता है क्रमित स्तर, थर्ड नंबर पर हो जाता है अंतराल स्तर, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है अनुपात स्तर। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्या अर्थ है, तो देखिए मूल्यांकन, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।
यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। देखिए कौन कौन से, तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये देखिए नवीन धारणा के कितने 3 बिंदु हैं। अब देख लेते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसमें देखिए ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं और बुद्धि। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन के कितने सोपान हैं। तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? तो मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। क्या होती है? तो शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताएं। तो मूल्यांकन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो मूल्यांकन देखिए मूल्य प्लस अंकन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, और मूल्य और अंकन से, ठीक है ना। फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा देख लेते हैं। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। ये किसके अनुसार है? तो रेमर्स एंड गेज के अनुसार। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें देख लेते हैं, देखिए डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। कैसी है? तो चतुर्मुखी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए 4 वर्गों में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो मूल्यांकन का जो क्रियात्मक पक्ष है वो है स्वाभाविकरण करना, ठीक है ना। क्या है? तो स्वाभाविकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बोध क्या है? तो किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता। बोध क्या है? तो किसी वस्तु की भाव की भाव को ग्रहण करने की योग्यता को बोध कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। तो यानी बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं? तो देखिए इसमें कहानी हो जाते हैं, यानी कहानी हो जाती है, कथन यानी कहानी कथन, भाषण, कविता, पाठ यानी कविता पाठ, विचार विमर्श आदि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षात्कार क्या है? तो आप लोग फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से जानते होंगे साक्षात्कार क्या है। तो देखिए इंटरव्यू को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तो साक्षात्कार अनुसंधानों की कोई प्रणाली नहीं है अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताएं। तो इसमें आंकड़े एकत्र करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यवहारिक नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? तो देखिए अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपकी फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल बहुत ही करीब है, मुश्किल से 2 वीक बचे हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? तो एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है, कौन कौन सी? तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ, और सेकेंड नंबर पर है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है उद्देश्य पूर्णता, सेकेंड नंबर पर हो जाता है व्यापकता, और थर्ड नंबर पर हो जाता है समय एवं कीमत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है वैधता, सेकेंड नंबर पर हो जाता है वस्तुनिष्ठता, थर्ड नंबर पर हो जाता है विश्वसनीयता, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है विभेदन शक्ति, और फिफ्थ नंबर पर हो जाता है मानक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताएं, तो इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निबंधनात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताएं, तो निबंधनात्मक परीक्षण को एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। उसके बाद चलते हैं निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताएं, तो इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूप्रिंट क्या है? तो देखिए पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन प्राय उद्देश्यों पर बल का निर्धारण प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राय उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ज्ञान, सेकंड नंबर पर हो जाता है बोध, थर्ड नंबर पर हो जाता है अनुप्रयोग, और फोर्थ नंबर पर हो जाता है कौशल। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।